आज हमें गोल्ड बिस्किट 3D Max में निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमें ये टेक्सचर लगाना है उसके ऊपर, ठीक है, अनरैपिंग से। ये नई कमांड है, आप जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने ऑटोकैड में एक रेक्टेंगल बनाया है और उस कॉर्नर को रेडियस दिया है, फिलेट किया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो आप बना सकते हैं ऑटोकैड में, ठीक है। मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा रहा हूँ अभी, और अपने हिसाब से आप साइज ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आपको लेयर में डाल के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो लेयर प्रॉपर्टी मैं पहले भी डाल चुका हूँ, वापस दिखाता हूँ आपको। न्यू लेयर में जाऊंगा, इस टाइम में गोल 1 नाम डालता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको मैं येलो टेक्सचर, सॉरी येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इसे इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर क्लिक करके गोल 1 पे क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो अभी ये गोल 1 पे आ गया। इसको सेव करेंगे, दोबारा कंट्रोल एस करेंगे, 3D Max ओपन करेंगे, इंपोर्ट। अभी हमने जहां भी फाइल सेव की है उधर जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, गोल्ड पे क्लिक करेंगे। ये कलर रहना चाहिए फ्रेंड्स, ये याद रखो आप। ये सेंटीमीटर में आप जो डायमेंशन होगी उसमें चाहिए। लेयर में जाएंगे, नन करेंगे, गोल्ड 1 पे क्लिक करेंगे सिर्फ, और ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए आ गया इधर। अभी क्या करेंगे, मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, ये देखिए ई प्रेस करना है हमें एक्सट्रूड के लिए, जेड करेंगे जूम के लिए, इसको थिकनेस देंगे, मैं 0.5 देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। हो गया, अब इसको कॉपी करा के करके रखेंगे ताकि कुछ गलत हो जाए तो हम ये बॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ध्यान से देखिए अनरैपिंग कैसी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। आप इसमें डायरेक्ट टेक्सचर भी डाल सकते हैं, लेकिन एडजस्ट करने के बहुत वर्क लगता है। आप बाहर जाओगे इंटरव्यू के लिए, अनरैपिंग की भी पूछते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यू प्रेस करेंगे अनरैप के लिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अनरैप UVW क्लिक करेंगे। अब क्या करना है हमें, नीचे स्क्रॉल करना है, ओपन यूवी एडिटर पे क्लिक करना है, एक विंडो ओपन हो जाएगी। सॉरी, अब क्या करना है फ्रेंड्स, सिलेक्ट करना है, ये देखिए इधर पॉलीगॉन है, इसके ऊपर क्लिक करना है और सिलेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो ये पूरा बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, मैपिंग में जाना है, फ्लैटन मैपिंग पे ऊपर क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करना है, बस। ये देखिए ये डिवाइड हो गया बराबर, ऊपर से और नीचे से, लेफ्ट राइट, ठीक है। अभी हमें इसको बाहर निकालना है, ऐसे सिलेक्ट करेंगे ध्यान से, और एक ही ऊपर का सिलेक्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। ये देखिए नहीं हुआ, देखिए कंट्रोल जेड करेंगे बैक के लिए, वापस कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए आ गया। ये देखिए ये किधर का बॉक्स है, ये देखिए ये ऊपर का बॉक्स है, इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, मैं इसको रोटेट करूंगा, ये देखो ऐसे चाहिए, ठीक है। मुझे ये बॉक्स चाहिए, कौन सा है दिखने के लिए, ये है, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखो ऊपर का कौन सा है। अब क्या करना है, ये सिलेक्ट करता हूँ मैं, ये पूरा सिलेक्ट करना है हमें फ्रेंड्स, इनको पहले अलग करना है, ठीक है, बाद में लगाना है। ये कमेंट बहुत ही अच्छी है फ्रेंड्स, आपको काम में आएगी, अनरैपिंग बोलते हैं इसको। बॉटल या कुक का आपको जो रहता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कुक रहता है, देखो
पत्रे का, उसके ऊपर भी अनरैपिंग करते हैं, ठीक है। अभी कैसे जोड़ना है आप ध्यान से देखिए, देखिए ये अभी ये देखो इधर क्या है, एजेस, एजेस पे क्लिक करना है। देखिए कौन सा ब्लिंक होता है वो ध्यान से देखना है हमें, देखिए इधर का इधर ब्लिंक हुआ तो हमें क्या करना है, ये इधर का देखना है हमें कौन सा ब्लिंक हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर क्लिक करने के बाद ये देखो ऐसा आना चाहिए, एक रेड और एक ब्लू, ठीक है। अभी ये रेड लाइन और ब्लू से हमें कनेक्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले ये सिलेक्ट करेंगे पूरा और रोटेट करेंगे उसकी तरफ, ठीक है, और उसके पास में लेके जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वापिस सिलेक्ट करना है हमें, ठीक है। ये देखिए अभी क्या करना है, ये देखिए इधर कौन सा ऑप्शन है, स्टिच कस्टम, उसके ऊपर क्लिक करना है हमें ताकि वो कनेक्ट हो जाए। ये देखिए हो गया कनेक्ट बराबर, देखिए ध्यान से, ठीक है। सेम हमें यही करना है इधर भी, ये देखिए, तो हम ये भी वही करेंगे कनेक्ट, ठीक है। अभी ये देखना हमें ये कौन सा है, इधर से देखेंगे, ये देखिए ये इसका इधर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, रोटेट। अब ध्यान से स्टेप देखिए फ्रेंड्स, आपको काम में आएगी ये, ठीक है। कनेक्ट इधर क्लिक करेंगे, देखेंगे कौन सा ये ब्लिंक हो रहा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके हम इधर लेके जाएंगे और रोटेट करेंगे। कनेक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको बराबर लगाएंगे, ये लाइन स्ट्रेट है कि नहीं देखना चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखिए अभी इसको भी हमें कनेक्ट करना है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये रेडियस है इधर फिलेट, ठीक है। देखो कनेक्ट करना है इसे, ये देखिए फ्रेंड्स हम इधर ही रुकते हैं, बाद में देख लेंगे अगर कुछ बाय मिस्टेक हो गया तो। अभी इधर का हम कनेक्ट करेंगे, ये देखिए, ठीक है, इसको हम बाद में देख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब इधर क्या करते हैं, अब ध्यान से देखिए, ये कमांड इंपॉर्टेंट है, आपको बाद में काम आ सकती है, अनरैपिंग कमांड बोलते हैं इसको, ठीक है। वापस देखते कनेक्ट करके, और इसको इसको कनेक्ट करके देखते, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखो
अभी बराबर हो गया। देखिए पहले इधर देखते हैं, इसको करते कनेक्ट। ठीक है प्रिंस, अभी बराबर दिख रहा है वो। पहले इधर का कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा आपको मैं बीच में बोल रहा था वो थम्स अप या कोको कुक का कैन रहता है वो इससे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, या बॉटल हो। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ब्लू और रेड लाइन नहीं दिखाई दे तो आप मेन ऑब्जेक्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको दिखाई देगी। मेन ऑब्जेक्ट मतलब ये बीच वाला रेक्टेंगल। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है, सॉरी ये ठीक है, ये और ये हम कनेक्ट कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, पास में लेके जाएंगे और क्या देखो सिलेक्ट करेंगे रेड और ब्लू, अपने आप सिलेक्ट हो, एक सिलेक्ट होने के बाद अपने आप ब्लू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना याद रखो, हो गया कनेक्ट। अब क्या करना है हमें फ्रेंड्स, दोनों को सबको सिलेक्ट करना है, पहले देखना है फ्रेंड्स की लाइन स्ट्रेट है कि नहीं। ये देखो ये स्ट्रेट नहीं, तो क्या करेंगे क्लिक करेंगे, ये देखो ये इधर से हम स्ट्रेट कर सकते हैं लाइन को, अलाइन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये देखो हो गया, जो भी स्ट्रेट लाइन नहीं है वो हम करेंगे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकली के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, इतने याद रखो आप। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, सबको सिलेक्ट करना है ऐसे और नीचे जाना है, ये देखो इधर हमें क्लिक करना है। ठीक है, पैक टुगेदर के ऊपर जिधर से पहले था उधर ही वो वापस जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है करेंगे, ये देखो इधर स्केल ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर क्लिक करना है हमें और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको रेंडर करना है। रेंडर मतलब ये इधर से, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो रेंडर UVW टेम्पलेट, रेंडर पे UV टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे,
ये देखो बराबर नहीं दिख रहा है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, साइज है ना इधर कम करेंगे। मैं 600 600 करता हूँ विथ और हाइट को। वापस रेंडर करेंगे, ये देखो अभी बराबर दिख रहा है पहले से, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, डेस्कटॉप पे करेंगे, नाम देंगे गोल्ड, मैं गोल्ड 1 देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और जेपीजी में करेंगे, सेव करना है, ओके, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं, सॉरी फ्रेंड्स, जरा लैपटॉप हैंग हो रहा है। ये देखिए गोल 1 इधर है, हम क्या करेंगे इसको फोटोशॉप में लेके जाएंगे अभी। और इसके ऊपर हम ड्रैग कर देंगे, आ गया। अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमें गोल टेक्सचर देना है इधर, देखो गोल बिस्किट है ये, इसका हमें टेक्सचर उधर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए हम इसको भी फोटोशॉप पे लेके जाएंगे, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ टेक्सचर ही लेके जाना है, ये वो बाजू जो बैकग्राउंड में व्हाइट है उसको नहीं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम डुप्लीकेट लेयर करेंगे, ओके करेंगे, इसको आप नाम भी दे सकते हैं। अब क्या करना है फ्रेंड्स, देखो ये टूल्स, ये मैजिक वैंड टूल है, इसके ऊपर क्लिक करना है और इधर व्हाइट के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये देखो ब्लिंक हो रहा है, क्या करना है हमें, सिंपल से डायरेक्ट डिलीट का बटन प्रेस करना है, कर दिया। ये देखिए इधर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड जो आई दिख रहा है आपको, उसको हम क्लिक करेंगे तो हाइड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अभी बैकग्राउंड कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मूव पे ऊपर क्लिक करना है हमें, कंट्रोल डी करना है और इसके ऊपर क्लिक करके हमें ड्रैग करना है, जो हमें रेंडर मारा था उसके ऊपर क्लिक करके, क्लिक नहीं करना है फ्रेंड्स, ड्रैग करना है और छोड़ देना है। देखो आ गया टेक्सचर, कंट्रोल प्लस करके मैं जूम करता हूँ, अभी कंट्रोल टी करना है हमें ताकि बराबर मैनेज हो जाए। ये देखिए बराबर हमें एडजस्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करना है फ्रेंड्स ताकि आपको बराबर दिख सके कॉर्नर। स्क्रॉल करना है, कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा जूम आउट करेंगे और इधर देखो ओके का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब क्या करना है फ्रेंड्स, वापस कंट्रोल टी करता हूँ, थोड़ा सा एडजस्ट करना बाकी रह गया। ये देखो इधर, ये देखो हाँ, ये लाइन के बराबर टच में चाहिए, कंट्रोल प्लस करता हूँ, अब क्या करना है हमें, ओके पे क्लिक करना है और कंट्रोल क्लिक करके रखना है, सॉरी कंट्रोल जेड करना है वापिस, अल्ट क्लिक करके रखना है फ्रेंड्स, और क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है ताकि वो कॉपी हो जाए बराबर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको कंट्रोल टी करना है और बराबर मैनेज करना है इसको, जूम करेंगे कंट्रोल प्लस करके,
आप ध्यान से स्टेप देखते रहिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि ये स्टेप यूट्यूब पे नहीं है, ठीक है। हो गया बराबर, कंट्रोल माइनस करता हूं। ठीक है, हो गया फ्रेंड्स बराबर, नहीं इधर इधर का देखो, कंट्रोल टी करता हूँ। अगर आपने ऐसे छोड़ दिया गैप, तो उधर भी गैप ही दिखेगा फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब ब्लैक ब्लैक शेड दिखेगा, गैप नहीं दिखेगा, ब्लैक शेड दिखेगा, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसे बराबर एडजस्ट करना है हमें, और क्या करना है अभी, इसको सेव करना है जेपीजी में, सेव एस, इसको जेपीजी में कन्वर्ट करेंगे, इसको गोल्ड टू नाम देंगे, ताकि हम गोल्ड वन पहले दे चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए गोल्ड टू इधर आ गया, ये हमारा टेक्सचर बन चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हमें इसके ऊपर टेक्सचर देना है फ्रेंड्स, एम प्रेस करेंगे मटेरियल के लिए, फ्रेंड्स लैपटॉप मेरा हैंग हो रहा है आज। अभी देखिए फ्रेंड्स, इधर क्लिक करेंगे हम स्लॉट में, देखिए मैंने ये स्लॉट क्लिक किया है, और डिफ्यूज के बाजू में जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है हमें फ्रेंड्स। बिटमैप के ऊपर क्लिक करना है फ्रेंड्स, ओके। डेस्कटॉप के ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमने उधर टेक्सचर सेव करके रखा है, एक और गोल्ड टू के ऊपर क्लिक करना है और ओपन करना है हमें। देखो आ गया फ्रेंड्स टेक्सचर, अभी इसके ऊपर क्लिक करके रखना है, डायरेक्ट ड्रैग कर सकते हैं हम, और इधर देखो इधर शो शेडो मटेरियल डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करना है, वो देखो आ गया हमारा टेक्सचर, ये देखो चारों तरफ से आ गया वो बराबर। लेकिन देखो ये कॉर्नर देखो, एक साइड में दिख रहा है एक साइड में नहीं दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करेंगे हम, अनरैप वापस ओपन करेंगे, नहीं ये नहीं, अनरैपिंग, ये देखिए इधर अंदर पे ओपन यूवी एडिटर करेंगे, ये देखो इधर मैपिंग में जाएंगे, सॉरी टूल्स में जाएंगे, और देखो इधर रिलैक्स कमांड है उसके ऊपर क्लिक करना है हमें, थोड़ा इसको साइड में करता हूं ताकि आपको दिखाई दे बराबर। प्लस रिलैक्स कमांड, देखो स्टार्ट रिलैक्स पे क्लिक करना है, देखो क्लिक करते रहना है हमें, ये देखो बराबर उसके कॉर्नर हमें दिखाई दे रहे हैं, देखो ठीक है फ्रेंड्स।
और चाहिए आपको कॉर्नर तो हम क्लिक करके रखेंगे। ये देखो अभी बराबर लग रहा है और अपलोड के ऊपर क्लिक करना हमें। ठीक है फ्रेंड्स, क्लोज करना है। ये देखिए बराबर हो गया फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपको डायरेक्ट टेक्सचर देके क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए। समझो मैं अभी एक बॉक्स निकलता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने पहले से वो कॉपी करके रखा है, उसके ऊपर दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी मैं इसके ऊपर टेक्सचर लाता हूँ, बिटमैप। देखिए मैं इसके ऊपर टेक्सचर दिखाता हूँ आपको, बिटमैप के ऊपर क्लिक करना है हमें, बिटमैप ओके। अब क्या करना है फ्रेंड्स, डेस्कटॉप के ऊपर सॉरी जिधर जो टेक्सचर था डायरेक्ट हम डाल सकते थे, आपको बता सकता हूँ मैं, डायरेक्ट डालने के बाद भी वो बराबर प्रॉपर नहीं लगता। ये देखिए वही टेक्सचर है ये। देखिए आ गया, अब मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ और शो शेडेड पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए ऐसा होता है फ्रेंड्स, ये देखिए ये एडजस्ट नहीं होता। अगर यूवी डब्ल्यू मैपिंग करेंगे तो देखो वो कैसा होता है। ये देखिए क्लिक करेंगे हम बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, और इसके बाद ये देखिए ये फ्रेंड्स ऐसे खींचा हुआ दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि एडजस्ट बराबर नहीं होता फ्रेंड्स। ये देखिए ये ऐसा दिखता है। ये देखिए ये देखिए उसके कॉर्नर देखिए व्हाइट व्हाइट दिखेंगे हम। देखो ये देखिए हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन देखो इसके कॉर्नर बराबर ही नहीं दिखाई दे रहे। इसके लिए अनरैपिंग बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ऐसा कोई मॉडिफाई ऑब्जेक्ट हो तो अनरैपिंग बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ उसको फोटोशॉप में लेके जाता हूँ और उसके ऊपर जो साइन स्टार आता है वो दिखाता हूँ कैसे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, टॉप में टी प्रेस करता हूँ, टी और जेड। इसको क्या करता हूँ मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अनरैपिंग वाले नॉर्मल मैपिंग में ये फर्क है। इसको क्या रोटेट करता हूँ मैं, थोड़ा सा स्ट्रेट करता हूँ। ये देखो थोड़ा सा क्रॉस है, इसको थोड़ा सा सीधा करता हूँ मैं।
कॉपी में जाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर मैं अभी रेंडर मारता हूँ, रेंडर होने के बाद आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने रेंडर मार चुका और सेव किया है जेपीजी में, ठीक है फ्रेंड्स। फाइल सेव एज मींस आप जेपीजी में कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फोटोशॉप पे लेके जाता हूँ और जो शाइन रहता है वो उसके ऊपर डालता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने G1 से किया है, डायरेक्ट ओपन करता हूँ मैं। ये देखिए हम इसके ऊपर ड्रैग करेंगे फ्रेंड्स, लैपटॉप थोड़ा सा हैंग हुआ था। ये देखो इधर ब्रश के ऊपर क्लिक करना हमें। ये देखिए इधर स्टार है, जो स्टार देना आपको दे सकते हैं आप फ्रेंड्स। ये देखिए आ गया स्टार, इसको कंट्रोल टी करेंगे और एडजस्ट भी कर सकते हैं आप। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले न्यू लेयर देता हूँ, वापिस ब्रश, देखिए स्टार। कंट्रोल टी, देखिए फ्रेंड्स इसको हम पहले सिंगल ही देते हैं फ्रेंड्स। अभी कंट्रोल टी करेंगे और इसको छोटा करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अभी अल्ट से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ये स्टार मैंने कैसे बनाया फ्रेंड्स आपको जानना है तो अब मेरे पिछले वीडियो देखिए, डायमंड रिंग या डायमंड, उसमें मैं दिखा चुका हूँ कि कैसे ये शाइनेस्ट स्टार बनता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सेंटर में भी रख सकते हैं इसको, सेंटर में दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स, तो हम इधर कॉर्नर पे ही रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलो तो फिर आपने, मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये अनरैपिंग जो कमांड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज घर पे ट्राई कीजिए, ठीक है। आज का वीडियो हम इधर ही खत्म करते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हो तो फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको ऐसे ही मिल सके, ठीक है फ्रेंड। चलो बाय, थैंक यू।